में हूं आपका मेजबान वकार हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। कैनेडियन फौजियों की यूक्रेन में मौजूदगी की तस्दीक नहीं कर सकता। कैनेडियन आर्मी चीफ का कहना है कि अगर ये सच था तो इससे हमारी फौजें खतरे में पड़ जाएंगी और कोई जानबूझकर कैनेडियन फौजियों को खतरे में क्यों डालना चाहेगा। इंतखाबात में कामयाबी के बाद ऑन्टेरियो पीसीज की वान में वापसी। टेड अर्नॉट को दोबारा स्पीकर के तौर पर मुंतखब कर लिया गया। डिसएबिलिटी सपोर्ट प्रोग्राम की शरों में 5% इजाफा मुतवक्के। टोरंटो में वुकला का हुकाम से हीट रिलीफ के इकदाम का सरेनो जायजा लेने का मुतालबा। वुकला का कहना है कि मौजूदा निज़ाम बेघर कम्युनिटी के लिए भी नाकाफी है। शहर में ठंड से बचाव के लिए वक्फ शुदा मुकामात भी कम हो गए हैं। FBI का साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के घर पर छापा। ट्रंप का कहना है कि छापामार कार्रवाई के दौरान तिजोरी की तलाशी ली गई। उन्होंने कार्रवाई को अमरीका का सिया दौर करार दिया। जो बाइडन का अमरीका में दो पाकिस्तानियों समेत 4 अफराद के कत्ल पर अफसोस का इजहार। अमरीकी सदर का कहना है कि कातिलों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। मेरी इंतजामिया मुस्लिम कम्युनिटी के साथ पुख्तगी से खड़ी है। हेडलाइंस आपने मुलाहिदा की और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। जस्ट टॉस एन इकोफ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनिएंट इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. कनाडा के आर्मी चीफ उन मीडिया रिपोर्ट्स की तस्दीक करने से इनकारी हैं जिनमें कहा गया था कि कनाडा के फौजी अरकान यूक्रेन में मुकामी लोगों को हमला आवर रूसी अफवाज से लड़ने की तरबियत देने के लिए मौजूद हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के आर्मी चीफ इन मीडिया रिपोर्ट्स की तस्दीक करने से इनकार कर रहे हैं जिनमें कहा गया था कि कनाडा के फौजी अरकान यूक्रेन में मुकामी लोगों को हमला आवर रूसी अफवाज से लड़ने की तरबियत देने के लिए मौजूद हैं। कनाडा के चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल वैन आयर का ये बयान न्यूयॉर्क टाइम्स की उन रिपोर्ट्स के बाद सामने आए हैं कि कैनेडियन फोर्सेस के खसूसी ऑपरेशंस के अरकान रूस के जारी हमले के दौरान यूक्रेनियों को तरबियत दे रहे हैं। लेकिन जब इन रिपोर्ट्स के बारे में पूछा गया तो आयर ने कहा कि फौज कभी भी मोहतात या हसास खसूसी ऑपरेशंस के बारे में बात नहीं करेगी या उनकी तस्दीक या तरदीद नहीं करेगी। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स को मायूस कुन और कयास आरई पर मबनी करार दिया। उनका कहना था कि अगर ये सच था तो इससे हमारी फौजें खतरे में पड़ जाएंगी और कोई जानबूझकर कैनेडियन फौजियों को खतरे में क्यों डालना चाहेगा। जून के इंतखाबात में ऑन्टेरियो पीसीज की एक और अक्सरियती हुकूमत बनने के बाद सूबाई पार्लियामेंट के अराकीन पहली बार असम्बली में वापस आए हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जून के इंतखाबात में ऑन्टेरियो पीसीज की एक और अक्सरियती हुकूमत बनने के बाद सूबाई पार्लियामेंट के अरकान पहली बार असेंबली में वापस आए हैं। मौसम गर्मा का नायाब सेशन डकफोर्ड की प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव हुकूमत को तख्त से खिताब और बजट की पेशकशी में अपना एजेंडा तरतीब देने का मौका फराहम करता है। असेंबली की कार्रवाई के अपने पहले ऑर्डर के तौर पर MPPs ने टेड अर्नॉट को दोबारा स्पीकर के तौर पर मुंतखब किया। अर्नॉट एक प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव जो वेलिंगटन हॉल्टन हिल्स की नुमाइंदगी करते हैं पिछले 4 सालों से स्पीकर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। प्रीमियर डकफोर्ड ने बजट में जिस नई चीज़ का इशारा दिया है वो ऑन्टेरियो डिसएबिलिटी सपोर्ट प्रोग्राम की शरहों में 5% इजाफा है जो 2018 से बुनियादी ज़रूरियात और पनागाह के लिए एक फर्द के लिए माहाना $1,169 तक मुंजमद है। लिबरल्स और अपोजिशन NDP ने भी हुकूमत से उन अदायगियों में इजाफा करने का मुतालबा किया है और तीनों जमातें फोर्ड से तनख्वाहों पर पाबंदी से मुतालिक कानून साजी को मनसूख करने का मुतालबा कर रही हैं ताकि नर्सिंग स्टाफ की कमी को दूर किया जा सके जिसने एमरजेंसी रूम्स को आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। टोरंटो में वुकला शदीद गर्मी के बारे में शहर के मौजूदा नुक्ता नज़र पर ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं। वुकला का कहना है कि ये फ्रेमवर्क टोरंटो के बेघर कम्युनिटी के लिए बहुत कम काम करता है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। टोरंटो में वुकला शदीद गर्मी के बारे में शहर के मौजूदा नुक्ता नज़र पर ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं। वुकला का कहना है कि ये फ्रेमवर्क
टोरंटो की बेघर कम्युनिटी के लिए बहुत कम काम करता है क्योंकि शहर मुसलसल तीसरे दिन गर्म दर्जा हरारत और ज़्यादा नमी देख रहा है। हीट रिलीफ नेटवर्क की हिकमत अमली जो पहली बार 2019 में नाफिज की गई थी इंतहाई गर्मी के लिए शहर का मौजूदा नुकता नज़र है, जिसका मकसद हीट वेव्स के दौरान गर्मी से मुतालिका बीमारी और अमवात को कम करना है। नेटवर्क के अंदर मकीनों को टोरंटो भर में तकरीबन 300 मकामात में से एक की तरफ हिदायत दी जाती है, जिसे नामजद ठंडी जगहों के तौर पर निशानजद किया गया है। उनमें लाइब्रेरियां, शहरी मराकज, इंडोर और आउटडोर पूल, स्पिलेश पैड्स और मॉल्स शामिल हैं। इस मंसूबे से पहले शहर में सिर्फ एक दर्जन से ज़्यादा कूलिंग सेंटर्स खोले और चलाए गए जब गर्मी की वार्निंग जारी की गई। वुकला का कहना है कि अगरचा हीट रिलीफ नेटवर्क में ठंडक के मराकज़ की नस्बत ज़्यादा नामजद कूलिंग स्पेसेस मौजूद हैं, लेकिन ये मराकज़ इंतहाई गर्मी से मुतासरा अफराद की मदद के लिए ज़रूरी वसाइल और सेहत की देखभाल से बेहतर तौर पर लैस थे। वुकला का कहना है कि हमने ठंड से बचाव के लिए वक्फ शुदा जगहें खो दी हैं और उसके बजाय मौजूदा बुनियादी ढांचे जैसे लाइब्रेरियों और कम्युनिटी सेंटर्स को डी फैक्टो ठंडी जगहों के तौर पर काम करने के लिए इन्हिसार कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए ऐसा करने के लिए कोई इजाफी वसाइल नहीं है। बशमूल वसाइल की ज़रूरत है। इतवार जैसे दिनों में घंटों में तौसी करते हैं जब ज़्यादातर लाइब्रेरियाँ बंद होती हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के घर पर FBI और महकमा इंसाफ की जानिब से मुबैना तौर पर छापा मारा गया, जिसमें अहम दस्तावेजात कब्जे में ले ली गई हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के घर पर FBI और महकमा इंसाफ की जानिब से मुबैना तौर पर छापा मारा गया, जिसमें अहम दस्तावेजात कब्जे में ले ली गई। बैनुल अक्वामी खबर रसा इदारों के मुताबिक अमरीकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और महकमा इंसाफ की जानिब से छापा मार कार्रवाई का मकसद साबिक सदर की रिहाइशगाह से अहम दस्तावेजात बरामद करना था। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने बयान में तस्दीक की है कि गुज़िश्ता रोज़ खुफिया एजेंसी FBI ने जुनूबी फ्लोरिडा में उनकी रिहाइशगाह पर छापा मारा। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक कार्रवाई के दौरान FBI के अहलकारों ने उनकी रिहाइशगाह को घेर रखा था। इस दौरान उनकी तिजोरी की तलाशी भी ली गई। उन्होंने कार्रवाई को अमरीका का सियाह दौर करार दिया। मुतालिका इदारों के साथ तआवुन के बावजूद ऐसी कार्रवाई गैर ज़रूरी थी। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा इंसाफ और FBI की जानिब से छापा मार कार्रवाई से मुतालिक कोई बयान या वजाहत जारी नहीं की गई। अमरीकी सदर जो बाइडन ने न्यू मैक्सिको में दो पाकिस्तानियों समेत चार एशियाई निजात मुसलमानों के कत्ल पर तश्वीश और अफसोस का इजहार करते हुए कातलों को मनतकी अंजाम तक पहुँचाने के अज़म का इजहार किया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर जो बाइडन ने न्यू मैक्सिको में दो पाकिस्तानियों समेत चार एशियाई नजात मुसलमानों के कत्ल पर तश्वीश और अफसोस का इजहार करते हुए कातलों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के अजम का इजहार किया है। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक अमरीकी सदर ने अपने बयान में कहा है कि न्यू मैक्सिको में यके बाद दीगर चार मुसलमानों के कत्ल पर रंज और गम में मुब्तला हूँ और लवाहकीन से ताज़ियत का इजहार करता हूँ। सदर जो बाइडन ने मजीद कहा कि अगरचा हम मुकम्मल तफ्तीश के मुंतजर हैं, मगर मेरी दुआएं मुतासरा खानदानों के साथ हैं और मेरी इंतजामिया मुस्लिम कम्युनिटी के साथ पुख्तगी से खड़ी है। इन नफरत अंगेज हमलों की अमरीका में कोई जगह नहीं। ख्याल रहे कि 26 जुलाई को 41 साल आफ्ताब हुसैन को कत्ल किया गया था, जिसके बाद 1 अगस्त को 27 साल अफजल हुसैन को कत्ल किया गया था। इन दोनों की तदफीन से वापस आने वाले नौजवान नईम हुसैन को पार्किंग एरिया में 2 रोज़ कबल कत्ल कर दिया गया। पुलिस तफ्तीशकारों का दावा है कि इन तीनों कत्ल की कड़ियाँ गुज़िश्ता बरस नवम्बर में अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद अहमदी से मिलती हैं, जो उसी इलाके में अपनी दुकान में मारे गए थे। चारों मकतूलीन में से 2 का ताल्लुक पाकिस्तान और 2 का अफगानिस्तान से है। एक मकतूल अफजाल हुसैन न्यू मैक्सिको के एक शहर के लैंड एंड प्लानिंग डायरेक्टर थे। पुलिस तहाल कत्ल की इन चारों वारदातों का सुराग लगाने में नाकाम रही है। टैक टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी।